हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अभी के टाइम में बीएड ग्रोथ करना उतना मुश्किल नहीं रहा, आप लोगों को पता है। लेकिन सही चीज़ों पे अगर पैसा इन्वेस्ट हो तो, अगर आप गलत चीज़ों पे या फिर डुप्लीकेट प्रोडक्ट पे आप पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे मेन वर्ड का बीएड ग्रोथ किट कहाँ से ओरिजिनल मिलेगा इसके बारे में भी जानेंगे, और कैसे ये वर्क करता है और कितना जल्दी रिजल्ट दे सकता है इसके बारे में जानेंगे, और इसके साथ क्या हमें लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए इसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे सेट करें। भूलना नहीं है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो ही लाइक करें, ठीक है, और जब तभी चैनल सब्सक्राइब करें। और वर्क फुल वीडियो आप लोगों को यहाँ मिलता है दोस्तों, कोई भी यहाँ फेक न्यूज़ आप लोगों को नहीं दिया जाता है। अगर आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, तभी आप म्यूनोफिल की तरफ जाएँ या फिर कोई भी बीएड ग्रोथ का किट यूज़ करो। तो सबसे पहले आप अगर कोई भी बीएड ऑयल पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये गलती आप छोड़ दो। अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो मैं सही जगह में आप लोगों को इन्वेस्ट करवाऊंगा जहाँ पे आपका बीएड ग्रोथ होना पॉसिबल है। तो सबसे पहले आप लोगों को याद ये रखना है, बीएड ग्रोथ करना अभी के टाइम में ज़्यादा मतलब टेंशन वाली बात नहीं रही, ठीक है। सबसे पहले अपने लाइफ में कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा जो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले स्लीप 7 से 8 घंटे का स्लीप लें, ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद जब भी उठें मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठें और एक्सरसाइज करें, मतलब एक्सरसाइज में पुशअप वगैरह उठक बैठक ये सब मतलब आप करोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट रहेगा, ठीक है। और तीसरा काम आपको छोड़ना है दोस्तों, जो हस्तमैथुन की लत आपने लगा रखी है, आपको जितना जल्दी हो सके इसे छोड़ना है। ऑटोमेटिक आपको नेचुरल हेल्प मिलेगा बियर ग्रोथ में, ठीक है। प्लस मैं आप लोग को दिन में मतलब रात में जब भी हो पानी 4 से 5 लीटर मतलब 24 घंटा में लेना ही है, ठीक है। पानी पीना है, पानी बहुत बड़ा रोल करता है हमें हमारे शरीर में, तो पानी तो पीना ही है, क्योंकि 70% हिस्सा जो हमारा बॉडी का है वो पानी का है। तो आप पानी क्यों नहीं पी रहे हो, पानी पियो अच्छा रहेगा। इसके बाद आपको डाइट पे फोकस कर देना है, अच्छी डाइट लेना है, बाहर का खाना को जितना हो सके अवॉइड कर देना है, ठीक है था। और दोस्तों अब हम आएंगे मेडिसिन के ऊपर, क्या बियर्ड ग्रोथ के लिए कोई बियर्ड ऑयल पे पैसा इन्वेस्ट करें या फिर कोई बियर्ड ग्रोथ किट्स के ऊपर अच्छा से इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों बियर्ड ऑयल आपको कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा कि आपको बियर्ड ग्रोथ नहीं करता, जो कि स्किन पर देख सकते हो। अगर आपको पैची बियर्ड है तो ही आप इसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है। अगर वहाँ पर आपको रिजल्ट मिल सकता है, मैं नहीं बोलूँगा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन 100% में आपको यहाँ पे 50% चांस रहता है कि रिजल्ट मिलेगा और 50% चांस रहता है कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, बात यही है, ठीक है। और मेनोफिडिल में क्या होता है कि आप लोग को देखने को मिलता है इसमें 90% रिजल्ट और 10% जो किसी को वर्क नहीं कर लेता है वो अलग सी बात है, ठीक है। तो आपको जेनेटिक्स यहाँ पे रोल नहीं करता, आप मेनोफिडिल यूज़ करोगे चाहे जेनेटिक्स में बियड हो ना हो, यहाँ पे कोई निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे है तो बियड ग्रोथ किट्स ले लेना चाहिए, बेटर है। आपको मेनोफिल देखने को मिलता है, डर्मा रूलर देखने को मिलता है, और यहाँ पे बियर्ड गमी देखने को मिलता है। तो मैंने बताया था कि डाइट आपको अच्छी करना, बाहर का खाना अवॉइड करना, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे रोल निभाता है बियर्ड गमी। इसमें जिंक पाए जाते हैं, क्रिएटिन पाए जाते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन बूस्टअप देखने को मिलता है। और बियर्ड गमी जो आप अपने खाने से नहीं ले पाते हो वो पूरे कर देते हैं, यानी कि आपके जो न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है वो बियर्ड गमी पूरी कर देते हैं। इसके बाद डर्मा रूलर और मेनोफिल या आपके जहाँ पे आप मतलब बियर्ड एरिया में जिस तरीके इसको घिसोगे या फिर रगड़ोगे वहाँ पे रोल करोगे तो आप लोग को ये यहाँ क्या होता है कि वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो डेली जब यही काम डेली होने लगता है क्या होता है कि बियर्ड ग्रोथ होने लगता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, डर्मा रूलर 0.5 mm के लेना है, और वहाँ पे आपको याद रखना वीक में एक बार यानी कि हफ्ते में एक बार ही डर्मा रूलर यूज़ करना, और मेनोफिडिल डेली अप्लाई करना, और डॉक्टर के रेट देख में लेना है। आपको मेनमेडिक्स का एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर डॉक्टर से सलाह बात करने का मौका मिलता है, वहाँ पे बात करके भी ले सकते हो, या फिर अगर आस पास के डॉक्टर हैं आप अच्छे, अगर आपके फैमिली में है तो आप उसे भी सलाह दे सकते हो। हालांकि मेनमेटर से कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है, हाँ हालांकि पहले कुछ दिन आपको एक ही नहीं देखने को मिल सकता है, और इसी नहीं देखने को मिल सकता है, ये नॉर्मल साइड इफेक्ट है, 2 से 4 दिनों में नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। यही था, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।